हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लीव लाइफ विद पुनीता। कैसे हैं आप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। और फ्रेंड्स, आज का मैंने ब्लॉग जो है वो इवनिंग से शुरू किया है, और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं। वो दिन भर जब से लॉकडाउन लगा है, स्कूल बंद हुआ है, और इस समय जो मेरे बच्चों का स्कूल है वो स्कूल भी नहीं ओपन है कोरोना की वजह से, और ऑनलाइन क्लास भी नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये दोनों दिन भर सिर्फ टीवी देखते हैं, सिर्फ कार्टून, और इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ बस बिस्तर पे पड़े पड़े कार्टून देखते हैं। पढ़ाई के नाम पे तो ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज 14 मई है और आज अक्षय तृतीया भी है, और ये बहनोई हैं। मैं बाहर तो गई नहीं किसी दुकान पर, दुकान खुला था पर मैं गई नहीं, मैंने इन्हें ही घर पे बुला लिया। और इनसे मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस बिछिया लिया और नाक के लिए एक छोटी सी लौंग ली। कहा जाता है कि आज के दिन हमें कुछ ना कुछ लेना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यही बिछिया लिया है और मैं इनका पूजा करूँगी शाम को। मैं हर अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ लेती हूँ और शाम के समय पूजा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि अच्छे से हम लोग का दिन अच्छे अच्छे बीते। और फ्रेंड, ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से, मैंने कोई मिठाई भी नहीं मंगा पाई और ना ही मैं फूल माला मंगा पाई। घर में जो भी कुछ अवेलेबल था मैंने उन्हीं से पूजा किया है, और छत पे मैंने पौधे आपको दिखाए ही हैं कि वो सूख गए हैं, वरना फ्लावर ज़रूर उसमें मुझे मिल जाते चढ़ाने के लिए। मैंने इन्हें पहले जल से स्नान कराया है, फिर मैंने रोड़ी अक्षत डाल के और बस दिया और धूप दिखा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। कोरोना की वजह से त्यौहार भी अब अच्छा नहीं लगता है, वरना मैं हर अक्षय तृतीया पर मंदिर जाती थी, दर्शन करती थी और घर पे अच्छे से पूजा करती थी। मिठाई, धूप, फूल माला सब मैं मंगा लेती थी बाहर से, और जो घर में अवेलेबल सामान था मैंने उन्हीं को लेकर पूजा कर दिया, क्योंकि बाहर लॉकडाउन है, बाहर में हमें कुछ नहीं मिल रहा था, इसी की वजह से मैंने घर पे ही बहनोई को बुलाकर सामान ले लिया। और मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी भी हम बॉयल पानी ही पी रहे हैं। मैं पानी को बॉयल कर लेती हूँ, फिर जब वो ठंडा हो जाता है तब हम वही पानी पीते हैं। और रुपेश दूध लेके आ गया था तो मैंने एक तरफ पानी रख दिया, दूसरी तरफ मैंने दूध को चढ़ा दिया। फ्रेंड्स, मैंने रुपेश को ज़्यादा दूर नहीं भेजा था, हमारे बगल में ही एक चच्चा है, वो गाय रखे हुए हैं, वहीं से हम ये दूध आता है गाय का, और बस वो बगल में ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, सड़क पर नहीं है, तो रुपेश चला जाता है और बस ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट में वो जाता भी है और चला भी आता है। और इस समय मैं वहाँ भी भेजती हूँ रुपेश को, तो मास्क लगा कर और सैनिटाइज़र उसको ज़रूर दे देती हूँ। और पास में ही एक लोग दुकान खोले हुए हैं, वहीं से जो ज़रूरत की सामान होती है हम वहाँ से ले आते हैं, हम मार्केट तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं इस समय। इवनिंग टाइम के नाश्ते का बर्तन था, मैंने उसे क्लीन कर लिया है, और ये सेवई लेके आया था रुपेश वहीं से, तो मैंने उसे भी धुल के रख दिया है। बाहर का कोई भी चीज़ आता है तो पहले मैं उसे धुलती हूँ और वाश बेसिन के पास छोड़ देती हूँ एक आध घंटे के लिए। अब पानी बॉयल हो गया है और दूध भी बॉयल हो गया है, और अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं डिनर में आलू बोड़े की सब्जी, सेवई और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन दूध से बनी कोई भी चीज़ हमें खानी चाहिए, इसलिए मैं सेवई बना लूँगी। सब्जी कट गई है, अब मैंने सब्जियों को वाश कर लिया है, अब मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने 2 या 3 चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाला है, और तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं मसाले की तैयारी कर ले रही हूँ। और तेल गर्म हो गया है, इसमें मैंने जो बोड़ा था कट किया था उसे मैं डाल दूँगी, और इसी में हल्का सौते टाइप का कर लूँगी, ज़्यादा नहीं भुनूँगी, सिर्फ सौते टाइप का कर लूँगी। और मैंने प्याज को पहले से ही पीस लिया था, और टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा 1 चम्मच के लगभग इसी में पीस लेती हूँ, और ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी, इसी में कुछ जैसे कूटा हुआ होता है उस टाइप का पीस लूँगी। मैंने बोड़ा पूरा लिया था कट करने के लिए, पर बच्चे कहने लगे कि मैं सेवई ही खाऊंगा और सब्जी नहीं खाऊंगा, तो मैंने आधा ही बोरा कट किया, बाकी मैंने वापस फ्रिज में रख दिया। फ्रेंड, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो साथ मैं काउंटर को भी क्लीन करती रहती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, बोरा जो है वो मैंने इनको सौते कर लिया है, और अब मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। और
मैं थोड़ा तेल इसमें और ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, दो चार चम्मच और ऐड कर लूँगी छोटे चम्मच से। अब फिर मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। दूसरी तरफ मैं सेवइयों को भूनने के लिए दूसरी कढ़ाई में दो चम्मच घी लिया है और इसे पिघलने के लिए छोड़ दिया है। और इधर मैंने जो मेथी था वो लाल हो गया था तो मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, कूटा हुआ प्याज है ये। तीसरे बर्नर पर मैंने दूध को चढ़ा दिया है ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए। और मैंने सेवइयों को भूनने के लिए निकाल लिया है जितना मुझे चाहिए। और अब मैं सेवइयों को तोड़ लूँगी, मैं बारीक बारीक उन्हें कर लूँगी। मैं जब बारीक कर लेती हूँ तो अच्छी तरीके से ये भून जाते हैं, वरना कढ़ाई में जाते ही ये जब हम तोड़ते हैं तो ये बाहर गिरने लगते हैं, अच्छी तरीके से नहीं भूनते हैं ये। इसलिए मैं सेवइयों को पहले तोड़ लेती हूँ फिर इसे भूनती हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पर। रुपेश भुनी हुई सेवई ही लाया था पर मैंने इसे दोबारा भून लिया क्योंकि जब घी में भुनिए तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। प्याज रेड हो गया है और मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर मिला दिया है, तीखा वाला नहीं, सिर्फ कलर वाला जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन मिर्च और टमाटर का जो कूटा हुआ पेस्ट तैयार किया था उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ और थोड़ा सा पानी भी डाल दे रही हूँ। साथ में मैंने इसमें हल्दी और नमक ऐड करके इसे अब मैं भून लूँगी। मैं गरम मसाला बाद में ऐड करूँगी, सिर्फ मैं इतने ही मसाले डाल के इसे भूनूँगी। जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक उसे मैं भूनती रहूँगी। और दूसरी तरफ मैं सेवइयों को भी चला रही हूँ और अब दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है। अब मैंने फिर इसमें चीनी को ऐड कर दिया है जितना मीठा हमें पसंद है। और अब मैं मसालों को भी चला रही हूँ, सेवइयों को भी चला रही हूँ और दूध को भी चला रही हूँ। और सेवई जो है वो भुन चुकी है और अब मैं इसे गैस को ऑफ कर दूँगी। और मसाले भी लगभग तैयार हो गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और इस समय हम सभी पपीते के पत्ते का जूस पीते हैं तो हस्बैंड लेकर आए थे तो मैं उन्हें वाश करके फ्रिज में रख रही थी। और सुबह खाली पेट मैं सबको इसके जूस देती हूँ। इस समय ये प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले भुन गए हैं और सेवइयाँ भी। और अब मैं सब्जियों को ऐड कर दूँगी मसालों में और अच्छी तरीके से सब्जियों पे मसालों को कोट कर दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सब्जी दिख रही है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ऐसे लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी पकने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ पकने के लिए, जब तक आलू पकना जाए तब तक के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बस थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तब मैं सेवइयों को डाल दूँगी। और ये देखिए बच्चे हस्बैंड के साथ फ़ोन में कुछ देख रहे हैं और ये पूरा फोकस इनका फ़ोन के ऊपर ही है, सिर्फ टीवी देखते हैं इस समय और फ़ोन देखते हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। और अब मैं दूध में सेवइयों को डाल दूँगी क्योंकि दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया था और इसमें से सौंधी सौंधी स्मेल भी आ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीता अपने चैनल लीव लाइव विद पुनीता में आपका स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे हैं आप। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ। और ये देखिए, मैंने सिंदूर लगाया था और मैं खाना बना रही थी और ये सिंदूर पूरा मेरा जो है वो मेरे माथे पर फैल गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और रुपेश छवि, ये देखो वीडियो बन रहा, तुम लोग का आवाज़ बहुत गंदा आ रहा है इसमें। हाँ, और वो सब जान गए कि वीडियो बन रहा है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे शोर कर रहे हैं और खेल रहे हैं वो। और आज अच्छे तृतीया फ्रेंड्स, और इसलिए मैं आज कुछ मार्केट में मिला नहीं, पर मैंने सोचा कि चलो आज के दिन दूध से बनी हुई चीज़ खानी चाहिए तो मैंने आज सेवई बना ली। मैंने सोचा चलो आज सेवई बना लेती हूँ और आलू और बोड़े की सब्जी बना रही हूँ। और हमारे यहाँ तो इसे बोड़ा बोला जाता है और मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। और एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए अब सब्जी जो है वो पक गई है। और ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बना था पर बच्चे नहीं खाए, उन्हें बोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आलू को कट कर रही हूँ, कितनी आसानी से कट हो जा रहा है।
और सब्ज़ी बिल्कुल पक गई है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए और लाइक करिए। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो को, सारे वीडियो को फुल वॉच करिए। बच्चे पहले ही डिनर कर चुके थे और हमने भी डिनर कर लिया। फ्रेंड्स, अब हमने डिनर कर लिया है और अब हम सोने जा रहे हैं। जो अभी लाइट बंद कर देता और बस आप लोग से गुड नाइट बोलना था, मैंने सोचा आप लोगों को गुड नाइट बोल दूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स।